So this is my the second part, the second video that I am making, again back to Sarasvati. Previous video में थोड़ा सा डरा दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है. Now I'll give you something to be a positive about Sarasvati. जब भी मेरे सामने कोई व्यक्ति आके बैठता है और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, आई सिंपली आस्क हिम वन क्वेश्चन. मैं सिर्फ एक ही सवाल उससे करता हूं, अपनी आंखों को बंद कर करके दो मिनट के लिए सोचिए कि पिछले 5 साल या पिछले 6 साल में आपने अपने जीवन में क्या किया. Do you think that you have hurt someone? Do you think कि आपके हाथों से कुछ गलत हुआ? At the same time, simultaneously, आपको ये भी देखना है, ये भी सोचना है, ये भी imagine करना है कि आपने पिछले साल में क्या अच्छा किया. क्योंकि मैं हर एक से कहता हूं कि you are the best judge of yourself. हमें पता होता है. अगर मैंने कभी परीक्षा में कोई चीटिंग की हो तो मुझे पता है. मैं दुनिया को बताऊं या ना बताऊं. Are you understanding? ये बात हमेशा याद रखना, that you cannot cheat yourself. और एक और ऐसा देवता है, मैं देवता ही बोलूंगा, शनि देव है, उनसे कुछ छुपा नहीं है. कुछ बातें आपको लगती है कि आपने सही कही, सही करी, लेकिन उनकी नजर में वो क्या था, he will decide. And Sarasvati में he will either reward you or he will punish you. Sarasvati, जब मैंने से प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने इन Sarasvati. महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल दिया था, he took the captainship of India in Sarasvati. सौरभ गांगुली Sarasvati. शाहरुख खान की जो पहली पिक्चर क्लिक की थी, it was his Kantakashani, if I remember. It all depends कि आपने आप जो आज कर रहे हो उस पर आपने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, और अगर आपने लगन से बिना किसी को चीट किए हुए कोई काम किया हुआ है, डेफिनेटली Sarasvati will show you the good result also. Sarasvati उस व्यक्ति को बहुत कम परेशान करती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. जो व्यक्ति जब पैदा होता है उसके चार्ट में अगर शनि देव वक्री है, यानी कि रेट्रोग्रेड उसके चार्ट में नजर आता है, मैं उसे कह सकता हूं विद कॉन्फिडेंस कि यस, योर Sarasvati इज नॉट गोइंग टू बी बैड. I won't say it could be good, but I will say it's not going to be bad. मतलब कि बहुत न्यूट्रल सा आपका समय जा सकता है. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आपके चार्ट में शनि देव की दृष्टि किसी भी तरह से चंद्रमा पे नहीं पड़ रही हो, और या शनि देव चंद्रमा के साथ ना बैठे हो. इस बात का विशेष ध्यान रखना है. दूसरी बात जहां मैं बहुत आपसे मैं थोड़ी टेक्निकल है लेकिन समझने की बात है, हर राशि, यानी कि धनु राशि हो या फिर वृषभ राशि हो या कोई भी राशि हो, हर राशि के 2.5 सवा दो नक्षत्र बनते हैं. एक नक्षत्र के 4 पदा होते हैं, यानी कि 4 पाव होते हैं. तो 2 नक्षत्र के 8 हो गए, और 1 नक्षत्र जो दूसरी राशि में चला गया है उसका तो मतलब 9 पदा एक राशि बनाते हैं. पदास क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं. जैसे कि अभी शनि देव धनु राशि में है, धनु राशि में 2 नक्षत्र है जो पूरे हैं, मूल नक्षत्र उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा. पूर्वाषाढ़ा पूरा नहीं है, पूर्वाषाढ़ा का सिर्फ 1 पद इसमें है और 3 जो है वो मकर राशि में है.
ये पदा क्या होते हैं? ये पदा ही है जो आप बच्चे का नामकरण करते हो तो आप पंडित जी से पूछते हो कौन सा अक्षर, यानी कि कौन सा अक्षर के से उनका नाम, बच्चे का नाम रखा जाए। हर पदा, अब जिस पदा में आप पैदा हुए हो, मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं, उसके बाद में मकर राशि है, फिर कुंभ राशि है, वो जो पदा होता है, एक पदा वो 2.5 ईयर जो शरीर देव भ्रमण करते हैं, ट्रेवल्स करते हैं, उसमें 90 डेज इज रूल्ड बाय दैट वन पदा। और ये पदा बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, बिकॉज यही पदा है जहां पे शनि देव आपको टेस्ट करे। दैट 90 डेज इज द टेस्टिंग पीरियड फॉर यू। अब ये टेस्ट कैसा है, ये बहुत टेक्निकल है, मैं इस बातों पे आपको मैं लेके जाना नहीं चाहूंगा, आई डोंट वांट टू लाइक यू कंफ्यूज यू। जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी आपसे कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, ऑब्वियसली मतलब अगर मुझसे कोई पूछे, अगर एकदम से आपको अपॉर्चुनिटी आने लग जाता है, विच इज एक्चुअली विच इज वेरी नॉट नॉर्मल आई वुड से, कि 37.5 रह गई और अचानक आपको धन लाभ होना शुरू हो गया, लोग ऐसे जुड़ने लगे, दे आर गिविंग यू ऑफर्स, ये कर लो वो कर लो, यू शुड बी, आप इतने सेंसिबल जरूर होने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं इतना सेंस आप में होना चाहिए कि ये एकदम से अपॉर्चुनिटीज क्यों आ रही है। आपको स्टडी करना होगा अपॉर्चुनिटीज कहां से आ रही है। लोन लेने से पहले 10 बार सोच लीजिए, 10 बार। इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बात तो तय है कि शनि देव आपका इम्तिहान लेने आ रहे हैं, ही इज अ टास्क मास्टर, ही इज अ टीचर, और वो, अब एक एग्जांपल देता हूं कि वो आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने लाकर खड़ा करेंगे कि देखना चाहते हैं कि आपका मन कैसा है, क्या आप ललचा जाते हो, आर यू लाइक नो जस्ट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, अरे चलेगा, ब्लैक का पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गलत काम ज्यादा सामने आपके आएंगे जिसमें पैसा बहुत इजी है, एंड व्हेन द मनी कम्स वेरी इजीली यू आर अंडरस्टैंड डिफिकल्टीज, वो जैसा आएगा आएगा जरूर, लेकिन जो आपके पास रखा हुआ है वो भी लेके जाएगा, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट। उपाय क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे, लिव, सरस्वती में एक ही स्लोगन बोल सकता हूं, लिव अ सिंपल लाइफ, यानी कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल आपको एकदम से लाइक यू नो, आई मीन टू से कि जितना आपको भगवान दे रहा है, आपको लगता है कि ये सही जगह से आ रहा है और मैं सही परिश्रम कर रहा हूं, ये मेरा सही मतलब वॉट एवर एफर्ट्स आई एम पुटिंग, ओनली दैट मनी इज कमिंग टू मी, डू इट, there is no problem as such। लेकिन कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि, और you know actually it is very difficult, मेरे बहुत से मित्र हैं पिछले 3-4 साल से, और the best part is वो जो मेरा मित्र है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, I want to keep it very private, उस व्यक्ति को मैंने उस वक्त जब मैंने देखा उसके पास पैसा आते हुए, मैंने उसे एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार, और वो व्यक्ति शायद समझ रहा होगा अगर मेरा वीडियो देख रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने 5-6 times आई हेटेड हिम, रुक जाओ, बिकॉज मनी द वे इट वॉज कमिंग टू हिम, आई वॉज अ लिटिल, मैंने बोला कि ये गड़बड़ है, ये डेफिनेटली गड़बड़ है, नहीं बताऊंगा कि उसकी परिस्थिति क्या हुई और अभी भी क्या है। हाँ, इतना जरूर बता दूंगा उस दोस्त को एक खुशखबरी है, that because he is coming to the end of Sarasati, he has already paid for whatever he has, मतलब जो भी किया होगा,
दिस इज द टाइम व्हेन शनि देव विल डेफिनेटली मिस यू, दैट्स फॉर श्योर. मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कोई नहीं समझा होगा सारस्वती को. ही नोज द बेस्ट टाइम टू से. ऐसे काफी सारे मेरे दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं, बैड इन्वेस्टमेंट, लाइक यू नो, आप वो सोचते होंगे क्यों हाथ डाला, क्यों किया, व्हाई डिड आई डू इट, व्हाई डिड आई टेक द लोन, व्हाट वाज द नीड. अब समझ में आता होगा, लेकिन इट्स टू लेट, इट्स टू लेट. बट आई एम श्योर कि शनिदेव अगर ने आपका इम्तिहान लिया है और आप इम्तिहान पे खड़े उतरे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट रिलीफ, नो डाउट अबाउट इट. जो आपने गवाया है आहिस्ता आहिस्ता लौट के आ रहा है. और मैंने कहा था उत्तर पीछा सारस्वती है, इट विल डेफिनेटली, प्रीवियस वीडियो में बताया था, इट विल गिव यू एटलीस्ट फोर थिंग्स इज फॉर श्योर. कि अगर आपकी शादी की उम्र है तो शादी करवा देंगे, घर दिलवा देंगे. इफ यू वर लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ चाइल्ड, आपकी वाइफ कंसीव कर लेंगी, आप बाप बनने की खुशखबरी बहुत जल्दी प्राप्त करोगे. गाड़ी आप चेंज करोगे, अगर गाड़ी ऑलरेडी है भी और तो नई ले लोगे, नहीं है तो गाड़ी मिल जाएगी. ये सब चीजें सारस्वती में आपको शनिदेव जरूर दिलवाएंगे. यहां पर मैं सिर्फ दो राशियों को थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूं. एक है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, जिसके लिए शनिदेव का जो भी ये चाल होगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी. सेकेंड इज द वन विच इज गोइंग टू फेस सारस्वती फॉर द फर्स्ट टाइम इज कुंभ राशि. आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए. एंड आई विल टेल यू विद 100% कॉन्फिडेंस के शनिदेव हमेशा मून को प्रभावित करते हैं. इट अफेक्ट्स द मून. मून इज योर थॉट प्रोसेस, मून इज योर माइंड, मून इज योर इमोशन. इतने ज्यादा टेंशन में डाल देते हैं आपको कि यकीन करो, मैं खाली ऐसे ही ऊपर से नहीं बोल रहा हूं, अपना ही उदाहरण लेता हूं. इतना टेंशन हो जाता है दैट यू स्टार्ट लुकिंग 5 to 6 ईयर ओल्डर देन योर एज. झुरियां तक पड़ जाती है चेहरे पे, इतना आई एम टेलिंग यू मैंने देखा है. और मुझे कोई शौक भी नहीं है और मुझे कोई मजा भी नहीं आता किसी को डराने में. क्योंकि एक बात और बता देता हूं, ये व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, जो व्यक्ति अपलोड कर रहा है ये वीडियो को, ही हिमसेल्फ, मैं 23rd of January को आई एम गेटिंग इन टू अष्टम शनि. अब आपसे मैं और क्या कहूं, मैं क्या कहूं. सबसे ज्यादा तो मैं ही ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहा हूं कि भैया जो अपॉर्चुनिटी बस आएगी मैं माप तोल के बोलूंगा, भैया आई एम गोइंग टू रिफ्यूज ऑल्सो, भैया आई डू नॉट वॉन्ट दिस मनी. मुझे इस तरह का इजी मनी फ्लो अगर होना शुरू हो जाएगा मैं समझ जाऊंगा और मैं हाथ जोड़ लूंगा, बोलूंगा भाई मुझे जो भगवान दे रहा है, जिस तरह से गाड़ी चल रही है मेरे को उसी तरह से गाड़ी चलानी है, बिकॉज मैं अष्टम शनि. दूसरी बात, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जैसे मेरा अपना एग्जाम्पल है, शनि रिटर्न्स, यानी कि आपकी कुंडली में जहां पे शनिदेव बैठे थे वो लौट करके आफ्टर 30 years इट इज कमिंग बैक टू द सेम पोजिशन व्हेन यू वर बॉर्न. दैट इज कॉल्ड सैटर्न रिटर्न. इट नॉर्मली हैपेंस एट द एज ऑफ 28. मैंने आपसे पहले भी कहा था 28 की उम्र में आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है. देन इट कम्स बैक अगेन 57th ईयर आपको जब लगने वाला होता है. तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में मैं सैटर्न रिटर्न की तरफ जा रहा हूं. ओके, सो मुझे डबल ध्यान देना होगा कि किस तरह से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूं. तो आप समझ सकते हो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं खुद भी अपने आप भी अंदर सोच रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए. हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है. हाँ, दैट ओके फाइन. मेरे नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेमेडीज फॉर शनिदेव. घबराइएगा मत, अगर मन सच्चा है, आप सच्चे हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो है नथिंग विल हार्म यू. ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू हैव नॉट
नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट रेमेडीज, प्लीज वॉच मी एंड देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, साइनिंग ऑफ.